बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से। सौंच के लिए गई 15 वर्षीय किशोरी के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। अंजाम देकर भाग रहे आरोपी युवक को गांव के लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा। गांव के लोगों ने दौड़ाकर पकड़कर आरोपी युवक के साथ करी मारपीट। सूचना पर पहुंचे परिजनों को किशोरी बेहोशी हालत में मिली। किशोरी की हालत देख परिजनों के उड़ गए होश। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर आरोपी युवक को किया हवाले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए करी कार्रवाई। मूसानगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है पूरा मामला। क्या मामला हो गया माता जी? बेटी के सामने ये घटना हुई है। क्या घटना हुई बेटी से? अरे एक लड़के ने छोड़ा। कहाँ का लड़का है? गोंडा का। अच्छा, कब का मामला है ये? 10 बजे को। 10 बजे आज की घटना है? आज सुबह के 10 बजे। अच्छा, क्या उम्र है बेटी की? 15 साल। क्या घटना हुई बेटी के साथ? उसने मतलब पकड़ा दकड़ी से मतलब बलात्कार किया। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी तो सर कुछ नहीं करो, अब हम नहीं बैठे हैं थाने के अंदर। क्या मामला और क्या घटना हो गई जो आज थाना मुसरा आना पड़ा? सुबह मेरी बहन यानी लमसम 15 साल की है, सुबह गई थी लेटरिन करने। इधर पड़ोस का गांव का बंडा का आदमी था, उसने जबरन मेरी बहन के साथ जबरदस्ती का रोजगार किया। थाने में रिपोर्ट कराने आए हैं। जो बलात्कार इस व्यक्ति के द्वारा किया गया, वो आरोपी क्या पकड़ा गया? पकड़ा गया है मेरे गांव के लोगों ने जबरदस्ती, वो गलत करके भाग गया था। मेरी बहन बेहोश पड़ी हुई थी, मैं उसको घर लाया। मेरे को मालूम, जब गांव वालों को पता पड़ा, उसे भाग रहा था, दौड़ा दौड़ा के पकड़ा, फिर एक उसको चोट लगी। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस बोली नहीं रही है, पर लिख रहे हैं क्या मालूम, अभी बोल नहीं रहे। सुबह 3-4 घंटा 5 बजे। क्या चाहते हैं आप? उसको सजा मिलना चाहिए।